आपको किसी को बोलना है कि बंगाली में कि खाने में क्या है, तो खाई बारे की आछे, खाई बारी की आछे। तो भाई लोग, जब हम चिटागांव आए थे ना, तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि चिटागांव में बस एक दिन रुकूंगा, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। और भाई ना, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो अभी तक हम चिटागांव से गाड़ी पकड़ के, मेरे पीछे देख रहा, चिटागांव से गाड़ी पकड़ के हम कॉक्स बाजार निकल रहे हैं। तो ये लग्जरी गाड़ी है, एसी गाड़ी है, और अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। उसके अंदर से गाड़ी दिखती है ऐसी, और ये इस तरह की गाड़ी है भाई। तो अंदर चलते हैं, आपको अंदर से एक बार गाड़ी दिखाते हैं। और ना, वैसे मैं पहले सोच रहा था कि ब्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने कहा ठीक कर ही लेते हैं, ब्लॉग करने ही तो आए हैं, और तबीयत तो ख़राब होती रहती है। तो भाई हमारा बस आ गई है, हमारी बस आ गई, मैं बस में बैठ गया हूँ और जाने को तैयार है। वैसे 11 बजे की, 12 बजे की बस थी, और 12:10 बज चुके, थोड़ा सा हम लेट हैं। और तो देखो, हम कॉक्स बाजार के लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो अभी अभी मेरे माइंड में आएगा, कि अब हमारे बगल में एक भाई बैठे, दादा तुम्हारा नाम, तो हसन भाई को देखो आप टाइम से, तो हसन भाई को देख के मुझे एक चीज़ माइंड में आएगी, वही जो कॉक्स बाजार है ना, वो बांग्लादेश का गोवा है। मतलब आपको पता होगा यार, जो भी इंडिया से दिख रहा है, कि जब भी हम लोग यार गोवा जाते रहे तो कुछ ऐसी तरह के कपड़े पहनते, अगर ऐसे कपड़े आपने नहीं पहने तो मतलब आप गोवा नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो मैं वही चीज़ अभी भाई को बता रहा था कि ऐसा ऐसा सीन है हमारे यहाँ पे गोवा में, जब लोग जाते हैं इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, और वहाँ पे इसी तरह के लोग कपड़े बिकते ही हैं गोवा की मार्केट में। तो जिस बस में भी हम बैठे हैं ना, इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 600 टका, मतलब 30% आप माइनस कर लो, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस बस में बैठूँ, बस भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, और मेरे को तो वैसे काफ़ी नींद आई, लगभग 4 दिन से ना लगातार, 4 दिन से लगातार मैं बस में ही सो रहा हूँ, और बस में मेरे को नींद आई, तो मैं बहुत थका हूँ। तो मेरा प्लान है कि ना, मैं कॉक्स बाजार पहुँचूँगा तो मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं करना, एक दिन बस में रूम में अपना नींद पूरी करने वाला हूँ, और शाम के टाइम थोड़ा सा घूमेंगे अगर अगली मॉर्निंग पहुँच जाते हैं तो इस कुछ इस तरह की बस है। ठीक है, अभी तो लोग सारे खड़े, तो बस पूरा देखेगा नहीं, ये बस सब लोग बैठते हैं आराम से, उसके बाद मैं आपको पूरी बस दिखाऊंगा कि भूत बस अंदर से कैसी दिखती है। आप बांग्लादेश में जहाँ भी ट्रैवल करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह की बस मिल, इस तरह की टिकट मिलेंगी। और ये क्या करते हैं ना, ये वाला पार्ट है जो ये बंदा रख लेगा जो बस में चढ़ेगा, ये वाला पार्ट हमारे पास रहता है, मतलब इसी तरह की बसेस मिलते हैं, इसी तरह की मतलब टिकट्स मिलेंगी आपको बांग्लादेश में, जब लोग आप लोग आगे ट्रैवल करने के लिए। थोड़ा अच्छा सा लगता है ना टिकट देखने में, लगता है कि हाँ भाई बस भी अच्छी होगी, टिकट देख कैसा लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग कॉक्स बाजार पहुँच चुके हैं, और मैंने अपने रास्ते का सफ़र इसलिए कुछ नहीं दिखा पाया, क्योंकि यार मैं पहुँचते ही ना बस में सो गया, बहुत भयंकर तरीके से नींद आ रही थी, और पता ही लगा कि हम कॉक्स बाजार पहुँच गए। सुबह के 4:30 अभी बज रहे हैं, और अभी एक होटल का नंबर मैंने लिया है किसी भाई से, तो अभी हम उत्तरी की तरफ जा रहे हैं, और इस जिस जगह पे हैं जहाँ पे बस ने हमें छोड़ा, यहाँ पे थोड़े होटल महंगे हैं, 5,000, 6,000, 7,000, और अभी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बताया कि इसने 800 तक का रूम मिल जाएगा। मेरी जो लोकेशन थी ना, जहाँ पे मेरे को बस ने उतारा था, वहाँ से लगभग 40 वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर होटल है, तो जो कि 500-600 रुपये मिल जाएगा, वो हम वहीं जा रहे हैं, और रिक्शा वाले भैया मेरे से 40 रुपये लेंगे। दादा तुम्हारा नाम की? खालू। पूरा नाम? पूरा नाम कालू मियाँ। कालू मियाँ, मोहम्मद कालू मियाँ। तो भैया ये कालू मियाँ जी हमारे जो रिक्शे चालक हैं, तो ये लेके जा रहे हैं हमें, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है लगभग जहाँ पे हमारा होटल लिया हुआ है ना हमने, और वहाँ से शायद बीच भी पास में ही होगा, और इस साइड पे ना इस तरफ बीच है। तो भाई लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं कॉक्स बाजार, और जिस होटल में मैं रहा था ना, उस होटल में मैं आ चुका हूँ, और रूम मैंने ले लिया, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है रूम, मैं आपको अभी अंदर चल के दिखाता हूँ। तो ये ऐसा कुछ रूम है, एसी है, टीवी है, वाईफाई है, और रूम का प्राइस है 900 रुपये, सब कुछ है। बाकी अभी मेरे को कहीं भी जाने का है, मेरे को सोने का है, शाम को हम लोग बीच में चलेंगे, अभी चिल मार के सोएंगे 4-5 घंटे, उसके बाद एडिट करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी सोते हैं, आपसे फिर मिलते हैं, जब बीच के टाइम जाएंगे तब मिलेंगे। भाई मैंने ना अपने होटल से निकल के आया हूँ, पर मार्केट की तरफ जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, और जो मैंने रूम लिया ना, रूम तो मैंने लिया था सोने के लिए, लेकिन आपको मेरी आँख के देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल सोया नहीं हूँ, क्योंकि है क्या कि जिस होटल में मैंने रूम लिया हुआ है ना भाई, उसके ऊपर फ्लोर पर कुछ काम चल रहा है, खड़पड़ 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 इतनी आवाज़ आ रही है ना कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ।
तो मैं सोचा थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, अब रात नहीं सोएंगे सीधा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे उसमें खाना वाना खाने जा रहा हूँ मैं, कुछ खाना वाना खा लेते हैं और थोड़ा सा घूम भी लेंगे। बाकी अभी मन तो कुछ नहीं है घूमने का, मन था सोने का, लेकिन भाई साहब ने रूम ही ऐसा दिया, कह रहे कि नहीं यू आर फॉरनर, आपको अच्छा रूम देंगे। फोर्थ फ्लोर पे मेरे को, उनके पास ना 700-800 रुपये के रूम भी थे, तो उन्होंने मेरे को वो रूम नहीं दिया, कह रहे यू आर फॉरनर, आपको हम सस्ता आपको ये वाला रूम नहीं देंगे, थोड़ा चीप है ऐसा वैसा है, आप ये वाला ले लो, 1200 रुपये का रूम है, तो डिस्काउंट लगा के हम आपको 900 का दे देंगे। मैं कहा ठीक है दे दो। लेकिन जब ऊपर पहुँचा तो भाई काम चल रहा है वहाँ पे कुछ मरम्मत का, और ऊपर से इतनी आवाज़ आ रही है गंदी, सो ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो चलो अभी फिलहाल ना मैं खाना खाने के आया हूँ, कि रात में खाना खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं, ब्रेकफास्ट कुछ खाया नहीं है, और 12:30 यहाँ पे बज चुके हैं, मतलब इंडिया में 12 बज रहे होंगे, तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करने चलेंगे थोड़ी देर में क्या, मतलब थोड़ी सी धूप कम होगी ना, अभी धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ी धूप कम होगी तब चलेंगे। तो भाई अभी ना अपने होटल जिस मेरा, मतलब ये जो पीछे गली, ये जो आप गली देख रहे हो ना, इसी गली में जाके अंदर मेरा होटल है, और अभी मैं बाहर आया हूँ खाना खाने के लिए, और होटल की बिल्कुल लास्ट गली में एंड में ये छोटा ढाबा है, वहीं पे खाना खाने के लिए बैठा हुआ। तो ये पूछ रहे थे क्या खाओगे, तो मैंने गूगल पे ट्रांसलेट करके ना, मतलब पढ़ा कि जैसे आपको किसी को बोलना है कि बंगाली में कि खाने में क्या है, तो खाई बारी की आछे, तो वो मैंने उनको बोला, तुमको समझ में आ गया, तो अब मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, गूगल में ट्रांसलेट करके बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इनकी लोकल लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, उसमें बात करेंगे जितने दिन भी बंगाल में या बांग्लादेश में। तो यहाँ पे वैसे लोगों को मांस मच्छी बहुत पसंद है, तो मेरे को पसंद है, लेकिन मैं इतना मेरे को नहीं कि डेली खाना है, कभी कभी चलता है, तो अभी मेरे को बोला कि दाल चावल और सब्जी मेरे को दे दो, तो वो लेके आ रहे हैं। तो भाई हमारा खाना आ गया, आपको खाने में दिखाते हैं क्या क्या है। तो ये भाई वेजिटेबल है सारी, ये शायद आलू है और ये करेला है, आलू, और इसको बोलते हैं यहाँ पे आलू का भरता, ये भिंडी है, दाल, भात, और दूसरा ये पानी, और एक्चुअली ये प्रान का वाटर है, प्रान के बिस्कुट बहुत फेमस है, हम जब नेपाल में गए थे ना, तो वहाँ पे हमको पता लगा था प्रान के बिस्कुट बहुत टेस्टी होते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले ना, प्रान ब्रांड के बिस्कुट आते हैं बहुत बारीक से, बहुत अच्छे होते हैं, ट्राई करना, यहाँ पे मिलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। बाकी भी खाना खाते हैं, खाना की बात करते हैं, और अभी इसका जो प्राइस है क्या है, जो वो खाना खाने के बाद मैं जब बिल पे करूँगा तब आपको बताता हूँ। तो भाई खाना तो खा लिया, और खाने के टोटल अराउंड 100 रुपीज़ लगे, मतलब बोतल मिला के 120 रुपये, 100 रुपये में खाना हो गया। वापस चले रूम पे, कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा धूप हल्की होगी तो आएंगे बाकी दोबारा से घूमने के लिए। ऐसा कुछ दिखता है यार ये एरिया जहाँ पे मैंने रूम लिया हुआ है ना, नीट एंड क्लीन है, मतलब अच्छा एरिया है, साफ़ सुथरा, यहाँ पे लगभग सारी जगह ऐसी है साफ़ सुथरी आपको मिलेंगे, आसमान भी बड़ा साफ़ है यहाँ पे। बाकी शाम के टाइम पे चलेंगे बीच पे, तब आपको दिखाएंगे कि यहाँ के बीच कितने क्लीन है या नहीं है। ये भाई ये देख रहे हो ऊपर, ये काम चल रहा था सुबह से, मैं जो सो नहीं पा रहा हूँ जिसकी वजह से, और मैं आपको अपना होटल दिखाना चाहता हूँ, ये होटल है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, अच्छा खासा यार, मतलब इस एरिया में जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे ही सबसे अच्छा होटल है ये जितना मैंने देखा अभी तक, और ऐसे कुछ इंटीरियर रिसेप्शन, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि लिफ्ट नहीं है, और मेरा रूम 4th फ्लोर पे है, बैठ बच जाती है ऊपर चढ़ते चढ़ते। और अभी एक ना एक मस्त इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा मेरे पास आया, अब वो मेरे को बोलता लेडीज़, मैं कहा तुम लेडीज़ है, कहता नहीं लेडीज़ हमारा होटल में लेडीज़, मैं समझा नहीं, फिर मेरे को समझ में आया कि ये प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है, तो मैं कहा नहीं भाई मैं दूर ही रहता हूँ इन चीज़ों से, चला गया ठीक है, मतलब जोरदस्ती नहीं करी, बाकी जैसे कई लोग मुझे मैंने सुना है कि ना वो पीछे पड़ जाते हैं और जोरदस्ती करते हैं, वैसा वाला सीन नहीं था, तो चलो ठीक है। बाकी मैंने सुना था यार कि मेरे को कोई बोल रहा था अगर ज़्यादा चीप होटल लोगे तो प्रॉब्लम भी होती है, पुलिस वाले आते रहते हैं, रेड वेड मारते हैं, ऐसा क्यों यार रेड वेड मारते रहते हैं, तो यही वजह थी, प्रोसिक्यूशन होता है यहाँ पे। ये मेरा रूम है 401, तो भाई ये मेरा रूम है, काफी डिसेंट, काफी अच्छा रूम है यार, मतलब 900 रुपये, यानी कि 30% माइनस कर लो, 270 रुपये माइनस कर लो, 927 होता है ना, 30% 35% माइनस कर लो, क्योंकि मेरे को जो करेंसी मिली थी वो 35%
कम पे मिली थी इंडियन रुपीज के हिसाब से। पूरा रूम मैंने तहस नहस कर रखा है, ये ऐसा रूम है और यहाँ पे मेरे रूम के पास में ऐसे ये बालकनी है ऐसा, और यहाँ से आप पूरा सिटी का नज़ारा ले सकते हो। और यहाँ पे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग एवरीवन भी बोल सकते हैं, तो अच्छा सीन है। सामने से काफ़ी अच्छी रोशनी भी आ रही है और यहाँ पे मतलब रूम पे भी काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है। तो चलो अभी मेरा प्लान क्या है ना कि अभी तो धूप हो रही है, मतलब अभी 1:00 चार बजे तक मैं अपने सारे काम निपटा लेता हूँ, नहाना धोना है, ऑफिस का काम है, आर वगैरह 4:30-5 तक। उसके बाद चलेंगे बाहर मार्केट में घूमने, तो आज बीच पे चलेंगे और कल मॉर्निंग में हम चलेंगे मार्केट, कॉक्स बाजार की मार्केट, और फिर एक दिन यहाँ का आसपास की जो लोकल मार्केट होगी या कुछ अट्रैक्शन होंगी वो देखेंगे। अभी तक ये प्लान है, बाकी कोशिश करूँगा कोई लोकल बंदा यहाँ का मिल जाए, कोई यूट्यूबर मिल जाए या कोई भी लोकल बंदा जो मेरे साथ एक्सप्लोर कर ले ताकि चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाए मेरे लिए। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।